हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट टेक्नोजोन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे कमाल के लाइव वॉलपेपर या फिर वॉलपेपर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी वॉलपेपर को अगर अपने फ़ोन में सेट करते हो तो वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और आपके फ़ोन के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देगा, और साथ ही साथ आपके आसपास वाले लोगों का ध्यान आपके फ़ोन की तरफ आकर्षित करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने दो एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस के बारे में बताया जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो बिना किसी देरी के फटाक से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली ऐप का नाम है वॉल लूप, और इस ऐप के अंदर आपको एमोलेड, नेचुरल, सुपर हीरोज, 4K जैसी कई सारी कैटेगरीज के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि एक से बढ़कर एक हैं। तो अपने मनपसंद वॉलपेपर को सेट करने के लिए सिंपली आपको इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उसका प्रीव्यू आपके फ़ोन में दिखने लगेगा। तो इसे सेट करने के लिए आपको नीचे एक लॉक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन पे यानी कि वॉच ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको छोटा सा ऐड देखना पड़ेगा। और अगर आप ये ऐड नहीं देखना चाहते हो तो इसका प्रीमियम वर्जन भी परचेस कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो छोटा सा ऐड देखने के बाद इसे बैक करना है, और बैक आने के बाद वापस से उस लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ से एस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका वॉलपेपर आपके फ़ोन में लोड हो चुका है, और आप इसे यहाँ से लाइक कर सकते हो, इसके एनिमेशन को स्लो और फास्ट भी कर सकते हो। तो इसे सेट करने के लिए सिंपली सेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके फ़ोन की वॉलपेपर सेटिंग खुल जाएगी। वापस से सेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और वॉलपेपर आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये वॉलपेपर, और इस ऐप के अंदर आप सारे वॉलपेपर्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया पाओगे, मतलब अति उत्तम। तो ट्राई करके ज़रूर देखना। तो हमारी दूसरी ऐप का नाम है 3D पैरालक्स वॉलपेपर। तो इस ऐप के अंदर आपको काफी कमाल के 3D वॉलपेपर्स दिख जाएंगे, और इस ऐप की खास बात यह है कि आप वॉलपेपर्स के 3D इफेक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ा या फिर घटा सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अपने मनपसंद वॉलपेपर को अपने फोन में सेट करने के लिए आपको सिंपली उस वॉलपेपर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक अनलॉक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर सिंपली टैप करके यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन की वॉलपेपर सेटिंग खुल जाएगी, और वहां से आपको अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। और आप यहां से देख सकते हो कि वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है, और इसका 3D वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है फ़ोन को। तो ये ऐप तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप अपने फ़ोन के लुक को इन्हेंस करना चाहते हो तो। सो यहाँ से हमारी अगली ऐप का नाम है सो, और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही कमाल के एनिमेटेड या फिर बिना एनिमेटेड लाइव वॉलपेपर्स को अपने फोन में सेट कर सकते हो, और इसके साथ साथ साउंड ऑन करने का भी ऑप्शन इस ऐप में आता है, यानी कि आपका लाइव वॉलपेपर चलता रहेगा और साथ में साउंड भी आती रहेगी। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो ऐप ओपन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज लाइन से दी हुई है, लेटेस्ट, पॉपुलर, म्यूजिक। तो आपको जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट हो सिंपली उस पर टैप करना है और अपने मनपसंद वॉलपेपर को चूज कर लेना है। तो अपने मनपसंद वॉलपेपर को चूज करने के बाद उस पर टैप करना है। टैप करते ही आपके फोन में उसका प्रीव्यू दिखा देगा, और नीचे आपको यहाँ से सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद वो वॉलपेपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद लाइव वॉलपेपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पे साउंड ऑफ या ऑन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसा चाहते हो, साउंड ऑन चाहते हो, साउंड ऑफ चाहते हो, उस पर टैप कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे साउंड ऑफ ऑप्शन पे टैप कर दिया। और अब आपके फोन की वॉलपेपर सेटिंग खुल जाएगी, और आप यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के बाद आप फोन का लुक देख सकते हो, काफी अलग लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो यार ये तो हो गई वो तीन लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन जिनका इस्तेमाल करके आप डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर्स को अप्लाई कर सकते थे। अब बात करते हैं दो एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशन के बारे में, और ये दो एप्स भी लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है, पर इनका यूज करके आप केवल एक ही वॉलपेपर को सेट कर सकते हो, जो कि एक ही वॉलपेपर काफी दमदार है। तो पहली बोनस ऐप का नाम है ZenTilt, और इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओपन का और सेटिंग का। तो ओपन पे टैप करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, जो कि एक लॉइन का प्रीव्यू दिखा रहा है। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ से सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे एक आर्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको जो भी पसंद आता है उस पर टैप कर देना है। और इसे अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ओपन पे टैप करके नीचे आके अप्लाई कर देना है, और आप देख सकते हो कि ये वाला वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आप अपने स्क्रीन के सरफेस पे टैप करते हो तो कुछ इस तरीके का चेंजेस आपके वॉलपेपर में देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ये वॉलपेपर ज्यादा बैटरी भी नहीं कंज्यूम करने वाला है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो की लास्ट ऐप का नाम है गोकू लाइव वॉलपेपर, और ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी,
पर इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप इसका प्रीव्यू स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है और मैं श्योर हूं कि आपको ये लाइव वॉलपेपर काफी पसंद आएगी। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में ना पता लग रहा हो कि ये वॉलपेपर कितना कमाल का है, तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आप जरूर तारीफ करोगे। तो ये थी वो डिफरेंट टाइप्स की लाइव वॉलपेपर या फिर वॉलपेपर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पे लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी वाली ऐप ज्यादा पसंद आई। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I'm a winter fire.